इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है ना, हम लोगों ने खाली मतलब पिक्चरों में देखा है। अच्छा, तो शायद तो ये देखिए, ये है राजा महाराजा का टाइम पे जो टॉयलेट हुआ करते थे वो। तो ये है मेरा डुगू तैयार और ये है मेरा ऑफिस बैग। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज जा रहा हूँ मैं लमगांव वाला है, तो आप लोगों ने देखना है और एंजॉय करना है, और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। सीधे पहले खंबाघाट चलते हैं, वहाँ से हम प्रधान जी को उठाएंगे। प्रधान जी के उठाने के बाद सीधे चलेंगे लमगांव, लमगांव से प्रताप नगर, जहाँ जहाँ जाना होगा सब मिलवा दें आपको। तो चलो चलते। और ये देखो हमारा कैमरा देखती हुआ भाई, ये झाड़ो स्टार्ट। अच्छा, जब कैमरा खुलेगा तब। क्योंकि मोदी जी ने बोला था ठीक स्वास्थ्य पान बहुत भले है। क्या था इन बार विचार? इन बार विचार क्या हुआ? वोट दे वाला छोटे हुए देहरादून में। अच्छा, यहाँ से प्लान करते हुए ऐसी भी क्या नौबत आ गई? शिप से नहीं, स्वास्थ्य नहीं है, कांग्रेस वाले घूम रहे गांव में। अच्छा, ना तो ये बोले परेशान है। चलो क्या समझो मैं कि कौन भारी दे रहे, क्या समझो कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे? सर नहीं, इस बार नहीं देंगे कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे? तो हमेशा मुझे वेट करना पड़ता है भाई। आज पहली बार आपने वेट किया, हमेशा मैं वेट करता हूँ। अच्छा। क्या क्या हो रहा है? मैं बढ़िया है, क्या हम चलो चले। किधर था जी तुम इससे पहले? इससे पहले तो मैं हैदराबाद में था मियां। दूसरा ही भाषा बोलता तुम इधर? हल्का हल्का बोलते। अच्छा। तो हमारे छोटे भाई राहुल ने बताया था कि दूसरा वाला महल भी बताओ जो आपने बोला था कि एक ऊपर है। तो ये देखो स्वागत द्वार देख लो पहले, अब अंदर दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से सीढ़ी है यहाँ पे, तो ये उसी टाइम की है, अभी तक भी है। ये देखिए, ये है यहाँ का महल। तो हमारे साथ अभी प्रधान जी है कुड़ियाल गांव से। प्रधान जी, इस महल के बारे में क्या जानते हैं आप, कुछ बता सकते हैं? हाँ, इसके बारे में तो है कि कभी खंडहर होने की स्थिति में है, इसकी कोई सुन न लिया। आप सुने में आए कुछ दिन पहले कि PWD ने लिया है और ये संग्रहालय बनने जा रहा है, तो नया मतलब इसका थोड़े मेंटेनेंस कार्य इस पर होगा, जो सुनने में नए रूप देंगे। ये सब संग्रहालय इसमें बन रहा है, और कल यहाँ पे जो ब्लॉक की सामग्री थी वो भी यहाँ से उन्होंने भिजवा दी है ब्लॉक में, और अंदर से बंगला खाली करवा दे दिया है। बिल्कुल भैया, कर ले इसमें सौदा। ओ भाई, ये तो कचरा ही कचरा हो रखा पूरा। अब पूछ सकते हैं आप मुझे, ये कचरा किसी का प्रधान जी? इसमें जो नया कार्य जो इसमें शुरू किया, जो मैंने आपको बोला था PWD विभाग से इसमें संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो इसमें सफाई अभियान कल से ही शुरू हुआ है। इसमें ग्रामीण महिलाएं यहाँ पे व्यवस्था पे लगा रखे सभी काम पे, और जितने भी रूम से मेरे ट्रेजरी वालों का सामान था या ब्लॉक से, इसमें पहले कार्यालय चलता था विकासखंड का, अब इसमें काम शुरू हो गया है। सब संभवतः कुछ PWD, ये हमारे PWD विभाग के हैं, अजीत रावत जी हैं ऊपर बैठे हुए, उनसे भी आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। हाँ भाई, ये चलते थे ना जी खंड विकास कार्यालय, इसी में चलता था, और संभवतः इसे 5-6 साल ही नीचे जो नई बिल्डिंग बनी है ब्लॉक की, तब से ही नीचे चल रहा है कार्यालय, पहले इसी में चलता जी। अच्छा, ऊपर चल सकते हैं जी? चलेंगे हम ऊपर चलेंगे। तो ये सीढ़ी है यहाँ की, पुरानी सीढ़ी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि राजा की फोटो दिखाएंगे, अभी पहले फोटो देखते हैं। अरे बाप रे बाप बाप, तो ये हमारे प्रताप शाह महाराज, इन्होंने बसाया था ये प्रताप नगर ना, इन्हीं के नाम से। और ये यहाँ पे वो अगेठी वगैरह सीखने के लिए ना, ये इसमें टांगते थे वो अपने कपड़े। वाह भाई वाह, हैंगर है। ये राजा की थी। अच्छा, ये फिटिंग वगैरह सब पुरानी है? सब पुरानी है, ये उसी टाइम का है।
ये फ्रेम वगैरह फोटो है जो उसी जमाने की वाह भाई वाह। ये तो अंग्रेजों के जमाने की शायद ये भी चूल्हा है। हर एक कमरे में अंगीठी जैसी थी इनकी बना रखी ना। आ जाओ ये भी अंगीठी। हर एक कमरे में इस टाइप की व्यवस्था की गई। और ये जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है तो ये राजा के जमाने की मूर्ति अभी तक इसमें ऐसे ही है। और सीढ़ी भी हर चौकोने पे इसकी ना। अरे बाप रे ये क्या है उनके जमाने का। ये खाली राजाओं के पास होते थे और किसी के पास नहीं। वाह भाई तो ये लगभग चिमनी आकार का ही था। 1950 से पहले उसी टाइम का है ना। ये भी उन्हीं के हैं। देख लो भाई राजा के सोफे। वाह रे वाह। उस टाइम पे ये मतलब सबसे अमीरों के पास ये इसी टाइप के सोफा होते थे है ना। देवदार की बनी हुई है। और ये खिड़कियाँ इसमें क्या अच्छा बद्र केदारनाथ के नाम से। अच्छा ये खिड़की ये देखिए यहाँ से। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का व्यू बनता है हमारे प्रताप नगर का। और ये देखिए इस साइड को भी है। तो राहुल भाई की ख्वाहिश पूरी होती हुई आज ये देखिए। देखिए कुछ इस टाइप से पेंट हुआ करता था उस टाइम पे। और काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही। ये क्या था लोकर। अच्छा ये लोकर हुआ करते थे राजा के। इसमें उनकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है ना हम लोगों ने खाली मतलब पिक्चरों में देखा है और कार्यक्रम में देखा है कि कैसे उनके वो होते थे ना तिजोरी टाइप की। टॉयलेट वगैरह भी है। अच्छा तो शायद ये कच्चा है और आराम से आऊंगा। तो ये देखिए ये है राजा महाराजा का टाइम पे जो टॉयलेट हुआ करते थे वो इस टाइप के थे। उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं ना। ये देखिए उस इस टाइप का टॉयलेट था उस टाइम। बाद में शायद टाइल वगैरह बाद में लगाई। ये है उनका वॉश बेसिन। हर जगह पे इन्होंने खिड़की छोड़ी हुई है। ठंडा यहाँ पे ज़्यादा है। हर देखो यहाँ से हिमालय का व्यू ले सकते हैं और यहाँ से भी आप एक गजब का व्यू ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक बालकनी टाइप की हो गई ना। तो ये देखिए ये भी उसी टाइम का है ना। ऐसे अच्छा बंद होती खुलती है बंद होती खुलती। वाह वाह बताओ हमारे राजा महाराजों ने क्या क्या। ये देखो अब तो खैर खंडर हो गया ये। अब इसका व्यू भी देखेंगे आप तो हर एक एंगल से आपको गजब का व्यू मिलेगा। और ये देखो इस टाइप की चूल्हे हर एक कमरे में दिखेंगे आपको। और कमरे का डिज़ाइन देखो ये गोल जैसा बना रखा है यहाँ से। ये देखो ये बर्फ़ वगैरह के लिए शायद है। यहाँ से हम बाहर आ गए। वैसे मेरे को पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ से गए हो कहाँ से हैं। यहाँ से देखो खम्भे की चौड़ाई देख लो कितने बड़े बड़े कितने मोटे मोटे खम्भे। ये देखिए यहाँ पे ये है इनकी बालकनी। मतलब जो पुराना है उसी को नया किया जाएगा या फिर जो टूट फूट वो सही होगा।
ये देखिए पूरी तरीके से खंडर हो रखे हैं। कुछ आशिकों ने अपने नाम भी लिख रखे हैं यहाँ पे। और विलंगना का संगम था नीचे यहाँ पे, यहाँ से बांध बन रखा हमारा, ये बांध पुरानी में बांध बन रखे और इधर से हिमालय दिखता था हमारा सारा। इस वजह से राजा को ये पसंद था, काफी अच्छी लोकेशन थी। आते सारे दिख जाते, इस साइड के भी दिख जाते और पूरे हमारे बैक साइड भी दिख जाते। एक्चुअली इनका जो मेन रजवाड़ा था वो नीचे था जो कि डूब गया, उनका घंटाघर भी बना रखा था और काफ़ी व्यवस्थाएं थी, सब खत्म हो गया। लेकिन ये अभी रिपेयरिंग हो रहा है तो PWD इसमें एक्शन ले रही है और इसके बाद इसको चेंज किया जाएगा, तोड़ दियो दोबारा। लेकिन इससे पहले जो ब्लॉक का सारा कार्यालय का कार्य था वो वहीं होता था। अच्छा, इधर किस साइड से? किस साइड से तो होगा अभी भी है चौड़ा रास्ता वो वाली ना। अच्छा, तब वहाँ से वो सीधे नीचे पुरांडे। मैं तो अभी शौक हो गया था थोड़ा सा, वो फोटो और अंग्रेजों के साथ है उनकी फोटो। जी बिल्कुल, जो उस टाइम पे हमें अंदर जाना अलाउड नहीं था बिल्कुल। आज देखो, आज वहाँ पे कुछ नहीं, उनके सोफे पड़े हुए हैं, मतलब जो आप टीवी में देखते थे कि राजाओं के महल हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा गार्ड वगैरह, अंदर जाना नहीं मिल रहा, वहाँ आज आप चले गए तो आपको ये लग रहा है मैं महल में आ गया, महल में आ गया। उनका जो लैंप है, राजा वाली फीलिंग आ रही है मतलब। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एक टाइम पे राजा महाराजाओं की क्या चल थी और आज जो है पूरा महल पूरा खंडर हो रखा है। तो आपने देखा होगा कि इनके टॉयलेट बाथरूम किस टाइप के थे और आज किस टाइप के हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने जो है एक लग्जरी लाइफ जो जीते थे वो सारी चीज़ें आपने देख ली, उनके सोफ़ा, उनके जो ड्रेसिंग थे वो हैं, और उनके जो दरवाज़ा हैं, बालकनी हैं, और जो उन्होंने एक निर्माण किया था वो पूरे महल का, तो वो काफ़ी एक देखने लायक चीज़ है। क्योंकि उस टाइम पे उस टाइप की इंजीनियरिंग नहीं थी, लेकिन अभी तक भी महल पूरा का खड़ा है, किस हिसाब से खड़ा है वो तो सोचने वाली बात है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जब आप महल के अंदर जाएंगे, आपको कभी भी टाइम मिला तो आप यहाँ पे आओ और इसके अंदर घूमो, देखो। जब आप अंदर जाएंगे तो पता नहीं चलता एक्चुअली कि कहाँ से आए और ये कौन से रूम है, कितने रूम है इसमें, और राजाओं की जो तस्वीर है वो देख सकते हैं, उस ज़माने में कौन सा फ्रेम चलता था, कौन सी फ़ोटो है, वो सब देख सकते हैं आप इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट।